बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है हमारे पास ना सिर्फ डार्ट बल्कि फ्लटर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। जब भी हमने फ्लटर में लॉगिन यूआईएस बनानी है या साइनअप यूआईएस बनानी है तब हम वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। अब हम इनका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, जब हमने अपनी लाइन्स ऑफ कोड को, अपनी जो लाइन्स ऑफ कोड हैं उनका फ्लो को कंट्रोल करना होता है तब हम अपनी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, अगर मैं हमारे पास अक्सर हम जब यूआईज ओपन करते हैं, लॉगिन यूआई या साइनअप यूआई ओपन करते हैं, जब हम यह अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें क्या कहता है कि आपके पास अल्फाबेट भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं सम टाइम कि सिर्फ अल्फाबेट दे देते हैं तो हमें क्या देता है, एरर दे देता है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ एरर देता है कि नहीं नंबर भी होने चाहिए और अल्फाबेट भी होने चाहिए। वहाँ पर आपके पास इन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे आपने वहाँ पे लगा दिया जाता है। अगर सिर्फ नंबर्स हों आपके पास तो आप उनको मैसेज जनरेट करें, ठीक है, कि यहाँ पर अल्फाबेट भी चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी चाहिए। तो जो चीज़ मिसिंग हो तो वहाँ में एक मैसेज जनरेट कर दिया जाता है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, मतलब प्रोवाइड होनी चाहिए। ये तो इसके एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिक काम क्या है इस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का कि हमारे जो नंबर्स ऑफ लाइन, मतलब कोर्स की जो लाइन्स है, ठीक है, कोर्स में जितनी भी नंबर्स ऑफ लाइन है उनका फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इफ, सेकंड है हमारे पास इफ और एल्स, थर्ड वन है हमारे पास पहले आएगा इफ, इफ मतलब इफ एल्स इफ और देन एल्स, ठीक है, एंड देन लास्ट में आता है हमारे पास हमारी स्विच स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम तो अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। आपके लिए मैंने बहुत एक इजी एग्जांपल से इसको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। अब हम यहाँ पे वार डेटा टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे भी स्ट्रिंग लेके जा रही हूँ। अब मैं यहाँ लेती हूँ एक ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक नाम से एक वेरिएबल बनाती हूँ और या इस वेरिएबल में रख लेती हूँ कोक, ठीक है, ड्रिंक, क्योंकि हमारे पास कोक भी होती है। आप इसको समझिएगा, पहले मैं आपको बताती हूँ देन उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम अपने बच्चों को भेजते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं, जाओ बेटा जाकर एक पेप्सी ले आना, ठीक है, पेप्सी क्या ले आना, एक पेप्सी ले आना। तो वो जाता है मार्केट में, ढूंढता है उसको, हम क्या कह के भेजते हैं, मतलब एक वेरिएबल क्या देते हैं उसे, एक पेप्सी का, मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया, कोक ले लिया, तो हम क्या कहते हैं उसे पेप्सी ले आना। अब उसे पेप्सी नहीं मिलेगी तो वो तो वापस आ जाएगा, मैंने उसको कंट्रोल कर लिया ना, मैंने उसके, वो जूस नहीं ला सकता, वो सेवन अप नहीं ला सकता, वो मरिंडा नहीं ला सकता, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको कंट्रोल कर लिया। हम इधर ऐसा करते हैं, जब हम इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ अगर हमारी जो ड्रिंक है इक्वल इक्वल टू हो कोक के, ठीक है, जो हमने स्पेलिंग दिया होगा हम वैसे लिखेंगे, तो ये क्या करेगी, हम इफ तो क्या करो, प्रिंट कर दो, ओके। अब हम इस एल कोड को समझते हैं। अब इफ क्या काम करेगी कि इफ अगर ड्रिंक इक्वल इक्वल टू, जो बच्चा वो ड्रिंक लाया है, ठीक है, वो बच्चा ड्रिंक अगर कोक लाया है तो अगर ड्रिंक इक्वल है ओके तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा ओके। अगर वो ड्रिंक इक्वल नहीं होगी, ठीक है, ड्रिंक अगर इक्वल नहीं है, मतलब अगर सेवन अप आ गया तो सेवन अप इक्वल इक्वल टू ओके तो हो नहीं सकता, ओके तो हो नहीं सकती, तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अब इसे हम रन करके देखते हैं, तो क्या हुआ, देखें ड्रिंक थी इक्वल कोक के तो उसने मुझे प्रिंट करके दिया, अगर ड्रिंक नहीं होती कोक के, ठीक है, मैं अगर इसको स्पेलिंग इधर ऐसे करूँ तो अब क्या होगा, उसने मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करके दिया, क्यों, क्योंकि हमने अपनी नेक्स्ट कंडीशन नहीं लगाई थी। अब क्या हुआ कि जब वो यहाँ पर इस जगह पर देख रहा है, ठीक है, इस जगह पे देख रहे हैं, यहाँ पे ही हमारी कंडीशन क्या होगी है, फॉल्स होगी है। ये ड्रिंक तो ड्रिंक में क्या पड़ा हुआ है, कोक पड़ा हुआ है, सी डब सी और डबल के ई कोक, बट मैंने क्या लिखा है, सी ओ के कोक। अगर ये ड्रिंक कोक के इक्वल है तो प्रिंट करो ओके, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं करो। ऐसे अगर एग्जाम्पल यहाँ भी बच्चा जाएगा, हमें उसको क्या कोक लेके आनी है, वो बच्चा जाएगा देखेगा कोक नहीं है, वो क्या करेगा, खाली हाथ वापस आ जाएगा। तो इसने भी यही काम किया कि ड्रिंक कोक के इक्वल नहीं थी तो वो यहाँ से एकदम इसकी इफ़ बॉडी से, ये इफ की बॉडी आई, इफ की बॉडी से बाहर आ गया, इफ की बॉडी में बाहर आ गया, कुछ भी ना खाली आता, मेरे कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं उसको ये कहूँ कि अब ये तो था हमारे पास इफ, अब अगर इफ एल्स की बात करें तो इफ एल्स में क्या होता है, अब मैं अपने बच्चे को कहूँ कि जाओ बेटा अगर कोक नहीं हुई, कोक अगर नहीं हुई तो क्या, सेवन अप ले आना, कोक अगर नहीं हुई तो सेवन अप ले आना। अब ड्रिंक कोक के इक्वल नहीं है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, कोक पड़ा हुआ है, तो एल्स में हमारे पास क्या काम होगा, एल्स आएगा देन एल्स की बॉडी आएगी, मतलब एल्स का स्कोप। अब इसमें क्या करते हैं, हम प्रिंट करा देते हैं सेवन अप। अब हम इसको रन करके पहले हम इसकी आउटपुट देखते हैं, तो
तो उसने मुझे क्या दे दिया, 7 अप दे दिया। अब इसमें ये क्या हुआ है कि बच्चा गया, उसको कोक नहीं मिली, तो वो क्या ले आया, वो 7 अप ले आया। तो अब देखिए मैंने क्या किया, अपनी कंट्रोल किया, मैंने अपनी स्टेटमेंट्स को कंट्रोल किया। अब ड्रिंक इक्वल थी, कोके नहीं थी इक्वल, तो ये लाइन ऑफ कोड मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। उसने क्या, ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो उसने इन लाइन्स ऑफ कोड को स्किप कर दिया, क्या किया, स्किप कर दिया, और वो यहाँ से बाहर आ गया एल्स में। जब उसने एल्स को देखा, एल्स वाली कंडीशन में क्या था हमारे पास, प्रिंट कर दो 7 अप, उसने क्या किया, उठा के 7 अप को प्रिंट कर दिया। कि अगर कोक नहीं है तो क्या, 7 अप तो है ना, बच्चा क्या करेगा, 7 अप ले आएगा। अब हम देखते हैं इफ एल्स, इफ एल्स को। अब इसमें क्या होता है कि मैं अपने, अगेन मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं बेटा कोक देखना, अगर कोक हुई तो कोक ले आना, अगर 7 कोक नहीं हुई तो 7 अप ले आना, अगर 7 अप नहीं हुई तो आप दूध ले आना कि मैं चाय बना लूँ, ठीक है। हम अपने बच्चों को जैसे क्या कर भेजते हैं, तो इसकी अगर कंडीशन हम देखें तो एल्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इफ, और यहाँ पे हमारे पास इसकी ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट्स में हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे कि ड्रिंक अगर 7 अप के इक्वल हुई, 7 अप के इक्वल हुई तो प्रिंट करा दो 7 अप। यहाँ हम ओके की जगह कोक प्रिंट करा देते हैं, और एल्स में करते हैं हम, एल्स की ब्रैकेट डालते हैं, एल्स में क्या करते हैं, एल्स में हम रख लेते हैं मिल्क, कि अगर कुछ नहीं हुआ तो बेटा मिल्क ही ले आना। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एरर इस चीज़ का था कि एल्स और इफ में स्पेस आती है, ठीक है। पहले हम इसको समझते हैं, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया ड्रिंक का जिसमें मैंने रखी कोक। अब क्या होगा, इफ के पास आएगा कि ड्रिंक इक्वल इक्वल टू है कोक के, मैंने कोक में के जो है ना टू टाइम के यूज़ किए, तो ये ड्रिंक को चेक करेगा, ड्रिंक इक्वल है कोक के, नहीं है, तो क्या करेगा, इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन फॉल्स आ गई। अब वो किस पे जंप करेगा, वो एल्स इफ पे जंप करेगा, वो देखेगा ड्रिंक इक्वल टू 7 अप है, ये भी कंडीशन फॉल्स आ गई, तो वो क्या करेगा, प्रिंट में क्या करेगा, मिल्क। अब हम अगर इसको प्रिंट करके देखें तो मेरे पास क्या है, मिल्क प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स थी, तो वो क्या करेगा, तीसरा काम करेगा। ऐसा ही हमारा बच्चा भी करेगा, कि क्या करेगा, कोक को देखेगा, कोक नहीं मिली, 7 अप नहीं मिली, तो क्या करेगा, मिल्क को उठा के ले आएगा। बस यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हमने क्या किया, उसने प्रिंट नहीं कराया कोक। अब हमने कभी देखा हो क्या, हो भी कोई भी मल्टीपल अगर स्टेटमेंट लिखे हैं प्रिंट की, तो वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन करता है, और वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, मेरे पास कंसोल पे प्रिंट करता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट स्टेटमेंट थी बट उसने एग्जीक्यूट नहीं की, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट थी उसने एग्जीक्यूट नहीं की, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी कोड को कंट्रोल कर लिया। मैं चाहूँगी जो मेरी मर्जी से कोड चले, मतलब मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं कोड नहीं चलाना चाह रही तो वही कोड नहीं चलेगा, मैं ये नहीं चलाना चाह रही तो वही कोड नहीं चला, मैं ये चलाना चाह रही थी तो कोड चल गया, ठीक है। मतलब मैंने खुद अपनी ज़ाती मर्जी से अपने कोड को कंट्रोल किया है, अपने कंट्रोल कोड का फ्लो कंट्रोल कर लिया। अगर मैं इसको रिमूव करूँ यहाँ से, अब मैं इसको अगर रन करूँ तो क्या किया, उसने कोक को प्रिंट कर दिया। इसमें यह होगा, जहाँ भी कंडीशन मेरे पास ट्रू आ जाएगी, ठीक है, यहाँ फर्स्ट पे कंडीशन ट्रू आई तो वो यहाँ पर नीचे जाएगा नहीं, जब एक कंडीशन ट्रू हो गई है तो हो गई है, वो कभी भी हमारे पास नीचे नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी देन वो इस एल्स इफ पे मूव करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स पे मूव करेगा, ठीक है। हम मल्टीपल टाइम एल्स इफ भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं एल्स इफ यूज़ करूँ, यहाँ पर एक कंडीशन दूँ, मैं यहाँ पे मरिंडा रख सकती हूँ। तो जैसे हमने कभी स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट कराने होते हैं, ठीक है, समटाइम्स स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट कराने होते हैं कि ए ग्रेड इसको मिलेगा, बी ग्रेड इसको मिले, सी ग्रेड इसको मिले, तो तब भी हम इफ एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं इन जगहों पर। तो हमने अगर कोई भी काम करना है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट आई है, तो हमारे पास फ्लो सेम रहेगा, ठीक है, सिंटैक्स सेम रहेगा। बस आपने क्या करना है, इफ के साथ ब्रैकेट्स आएंगी और इसकी बॉडी आ जाएगी, एल्स इफ में हमारे पास स्पेस आएगी, इसकी कंडीशन के लिए उसको ब्रैकेट्स चाहिए होंगे, और इसमें कर्ली ब्रैकेट्स में इसकी बॉडी आ जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट ही लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम कोई भी काम यहाँ पर करवा सकते हैं, ठीक है ना। इनसाइड द इफ हम और भी इफ यूज़ कर सकते हैं, इफ के बाद इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारी नीड होगी हम इसे वैसे वैसे यूज़ करेंगे। और देन इसके बाद है हमारे पास स्विच, तो यहाँ से इसे पहले रिमूव कर देते हैं। अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच में हमारे पास केसेस यूज़ होते हैं। हमने क्या किया, मैंने ड्रिंक के साथ जाती हूँ जो मेरा वेरिएबल है। अब स्विच का हमारा सिंटैक्स ले देते हैं, हम लिखेंगे स्विच के आएंगी ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में हम अपने जो वेरिएबल होगा, जो हमने वेरिएबल यूज़ करना है थ्रू आउट द प्रोग्राम, हम इसे यहाँ पे ही डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, हमारी स्विच की बॉडी आ जाएगी, मतलब इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स हमारे पास हमारा जितना भी काम होगा स्विच का, मतलब जितनी भी कंडीशंस लिखनी है हम इनसाइड द स्विच लिखेंगे, मतलब स्विच की बॉडी के अंदर हम लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होते हैं, केसेस होते हैं। जैसे केस है मेरे पास, ठीक है, हम अपना फर्स्ट केस लिखते हैं, हम केस का कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करने चाह रहे हैं, अब ड्रिंक्स हमारे पास कितने टाइप की थी, या तो कोक होगी, या तो 7 अप है, या मरिंडा है, या जूस हो सकता है, या मिल्क हो सकता है, ठीक है। ड्रिंक है एनी टाइप ऑफ ड्रिंक, या सिंपल मिनरल वाटर भी हो सकता है। हम केस में क्या करेंगे, हम सिंगल कोट में यहाँ पर अपनी ड्रिंक का नाम दे देंगे, ठीक है। ड्रिंक का नाम दिया, ये केस क्या था, केस 1,
था कोक, यहाँ पे हम कॉलन डालेंगे और जो हम विद इन द बॉडी काम करते थे, मतलब जैसे मैंने इफ लिखा उसकी बॉडी बनाई, तो यहाँ पर मुझे बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ केस लिखूंगी, केस का कीवर्ड यूज किया मैंने, यहाँ पे मैंने केस का नाम लिखा कि मतलब इसमें क्या होना चाहिए। अगर कोक है तो क्या करो, प्रिंट करो कोक, और ये मैंने इसको एंड कर दिया। ये आ गया मेरे पास एक केस। अगर मैं सेकंड केस बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, केस, सेकंड केस में मेरे पास क्या होगा, सेवन अप आ जाएगी। यहाँ पे मैं फिर कॉलन डालती हूँ, सेवन अप कॉलन, यहाँ पे प्रिंट कर दो क्या चीज, सेवन अप। ठीक है, अब देखें काम सेम है बट इनका वे डिफरेंट है। जो काम हम इफ में करते हैं या इफ एज में करते हैं वो हम क्या करें, स्विच में हम केस की को यूज़ करते हैं, हम ये काम करें, काम सेम है। बस क्या होता है कि हमारी जिस टाइम जो नीड होगी, ठीक है, प्रोग्राम की जो नीड होगी या हमें कहाँ जाएगा कि ये काम स्विच से करना है या इफ से को यूज़ करते हुए करना है, तो हमें मजबूरन करना पड़ेगा। ठीक है, बस लेकिन ये जरूरी होता है कि हम इनका सेंटेक्स देख लें। अगर मैं यहाँ पे एक और केस यूज़ करना चाहूँ तो तभी मैं कर सकती हूँ, कोई लिमिटेशन नहीं है, हम जितने चाहें केस यूज़ कर सकते हैं। अब इस केस के अंदर अगर मैं मिल्क लिखूँ और कॉलन डालूँ तो तब ये गलत नहीं होगा। ठीक है, प्रिंट कर देते हैं सिंगल कोट में या डबल कोट में मिल्क। ठीक है, अब हम इसको अगर रन करें तो क्या हुआ, कोक प्रिंट होके मेरे पास आ गया। अब इस कोक की जगह, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू थी तो तब उसने ये मुझे प्रिंट करके दे दिया। मैं अगर मिल्क करूँ यहाँ पर, अब हम इसको अगर रन करूँ, जो मेरी ये थर्ड केस था इस टाइम ये ट्रू हुआ तो उसने मुझे ये प्रिंट करके दे दिया। अब वो क्या करेगा, इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं। अब यहाँ स्विच में आएगा, स्विच में क्या पड़ा हुआ है, ड्रिंक। अब ड्रिंक में क्या पड़ा हुआ है, मिल्क। उसने केस वन चेक किया, केस वन तो कोक था, उसने इस प्रिंट स्टेटमेंट को छोड़ के वो नेक्स्ट केस पे आ गया। नेक्स्ट में क्या था, सेवन आता। उसने यहाँ चेक किया, इसने प्रिंटिंग स्टेटमेंट को छोड़ा और इस नेक्स्ट केस पे आ गया। अब यहाँ पर मिल्क था, मिल्क ड्रिंक से मैच हो गया, ड्रिंक क्या था, ड्रिंक मिल्क से मैच हो गया, तो उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया हमारे पास मिल्क। अगर हमारी फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन स्टेटमेंट में से कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम अगर अपनी तरफ से, जैसे हमारा इफ में क्या चलता था, एल्स चलता था कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स को चला दो। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफॉल्ट यूज होता है, डिफॉल्ट का कीवर्ड यूज होता है। ये स्मॉल में ही हमारे पास यूज होगा, डिफॉल्ट का कीवर्ड यूज होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलन डालेंगे क्योंकि हमारी ये भी एक स्टेटमेंट ही है। तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देते हैं नो वन। ठीक है, अगर हम डबल नो वन या कुछ भी आप जो प्रिंट कराना चाहें, ठीक है, यहाँ पे हम डबल के अगर डाल दें तो ये किसी से भी मैच नहीं करेगा। तो हमारे पास जो लास्ट हमारी डिफॉल्ट वाली कंडीशन होगी नो वन, उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो मैं इसमें क्या होता है, बस इन कंडीशन में कि हम अपने प्रोग्राम का जो फ्लो है वो कंट्रोल करते हैं, हमें ये हमारी मर्जी होती है कि ये स्टेटमेंट चलेगी या ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अब कोक नहीं था तो इसने ये क्या किया, इसको ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे अगर चांदी प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखूँ, यहाँ पे हम लिख कर देख लेते हैं, ठीक है, जिसको मैं अगर 10 times भी प्रिंट करूँ, देखें को जितनी दफ़ा लिखूंगी वो प्रिंट होके आएंगी। बट हाँ, जब हम केसेस का यूज़ करते हैं, मतलब स्विच का या इफ एल्स का यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, अब हमारी स्टेटमेंट को कंट्रोल कर लेता है।